नमस्कार, चार्जी कला टाइम टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिका। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल, कब तक विधायक बिना काम बैठेंगे घर में। आईबी ने किया अलर्ट, 20 साल में सबसे बड़ा खतरा, 15 अगस्त को मोदी पर हो सकता है हमला। और कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे नारायण राणे, विधानसभा में करेंगे पार्टी का हाथ मजबूत। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस ने स्पष्ट शब्दों में राकपा के राज्य विधानसभा की आधी सीटों के दावे को खारिज कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मानिक राव ठाकरे ने कहा कि राकपा ने 144 सीटों पर दावा ठोका है, लेकिन कांग्रेस इसके लिए कतई तैयार नहीं है। ऐसे में कार्यकर्ताओं को सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी आरम्भ कर देनी चाहिए। मानिक राव मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की मौजूदगी में देश पांडे सभागृह में कांग्रेस के विदर्भ विभागीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राकपा ने गठबंधन तय करने के लिए हुई पहली बैठक में 144 सीटों पर दावा किया है। राकपा के नेता राज्य में घूमकर अपने कार्यकर्ताओं को उन सीट पर तैयारी करने को कह रहे हैं जहां से कांग्रेस चुनाव लड़ती है, लेकिन कांग्रेस अपनी एक भी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर राकपा ने अपने रुख में लचीलापन नहीं लाया तो कांग्रेस के समक्ष अकेले चुनाव लड़ने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होगा। बहरहाल कांग्रेस गठबंधन को बनाए रखना चाहती है ताकि धर्मनिरपेक्ष वोटों का विभाजन नहीं हो। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने दावा किया है कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में मिली हार का विश्लेषण कर काफी कुछ सीखा है। पार्टी विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग कर व्यापक रणनीति तैयार कर रही है। इसकी सफलता के लिए उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर काम करने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके वादे व्यावहारिक नहीं है। चौहान देश पांडे सभागृह में कांग्रेस के विदर्भ विभागीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मानिक राव ठाकरे, राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक के साथ साथ कई नेता शामिल हुए। चौहान ने माना कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर सकी, पार्टी ने परंपरागत तरीके से चुनाव लड़, बूथ को माइक्रो मैनेजमेंट नहीं कर सकी। उधर भाजपा के लिए मोदी और अमित शाह की निजी फौज के अलावा पार्टी और संघ की मशीनरी सक्रिय थी, लेकिन इससे सबक लेकर पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। उन्होंने कहा कि पार्टी बूथ स्तर पर विशेष ध्यान देगी। वही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने पंचशील चौक स्थित निजी अस्पताल में जाकर बौद्ध धर्म गुरु भंते सुरई ससाई का हाल जाना और उनसे बातचीत की। वही उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के भंते जी की समाज को बहुत आवश्यकता है। उन्होंने करीब 10 मिनट तक भंते जी के पास रुककर बातचीत की और इलाज में हर तरह के सहयोग करने का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री के साथ राज्य के रोजगार गारंटी योजना मंत्री नितिन राउत, राज्य मंत्री राजेंद्र मूलक, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मानिक राव ठाकरे प्रमुख रूप से मौजूद थे। मालिनगांव हादसे के 6 दिन बीत जाने के बाद भी शवों के मिलने का सिलसिला जारी है। सोमवार को 27 लोगों के शव मलबे से निकाले गए। इनमें से 12 एक ही परिवार से जुड़े लोग हैं। अब तक शवों का आंकड़ा अधिकृत रूप से 135 के पार पहुंच गया है। हादसे के 6 दिन बाद अब मलबे में किसी के भी जिंदा बच्चे होने की उम्मीद टूट गई है। 6 दिन बाद घटनास्थल पर संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने राहत कार्य में लगे लोगों को मास्क लगाने का निर्देश दिया है। जिला प्रशासन के मुताबिक अभी तक 80% मलबे को हटाने का काम हुआ है और आज शाम तक यह काम पूरा होने की उम्मीद है। 30 जुलाई को हुए इस हादसे में अब तक 30 से ज्यादा लोगों को सही सलामत बाहर निकाला गया है। वही 6 दिन तक मिट्टी में शवों के दबे रहने के कारण गांव में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। रविवार को राहत कार्य में जुटे 3 डॉक्टरों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, उन्हें पुणे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। 5 दिन तक शवों के मलबे में दबे रहने के कारण इलाके में बदबू फैल गई है। राहत कार्य में लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही है। इसे देखते हुए अब घटनास्थल पर ही शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले भाषण पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि इस दौरान प्रधानमंत्री पर पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन हमला कर सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर के मुताबिक एक वरिष्ठ इंटेलिजेंस अधिकारी का कहना है कि पिछले 20 वर्षों में किसी भी प्रधानमंत्री पर इतना बड़ा खतरा नहीं मंडराया है जितना नरेंद्र मोदी पर मंडरा रहा है। खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा मशीनरी और गृह मंत्रालय को सूचित किया है कि प्रधानमंत्री पर सीधे हमले के अलावा सिमी और लश्करे तैयबा जैसे संगठन स्वतंत्रता दिवस समारोह को बाधित करने के लिए बाजारों और दिल्ली के बाहरी इलाकों में आतंकी हमले कर सकते हैं।
आईबी और एंटी टेरर यूनिट्स आतंकियों की योजनाओं की डिटेल्स जानने की कोशिश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी इस मौके पर 26/11 जैसे हमले की कोशिश कर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम के काफिले के 1 किलोमीटर के अंदर किसी दूसरे वाहन को चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ ने जलगांव आवास घोटाले के मुख्य आरोपी सुरेश दादा जैन को धुलिया के विशेष न्यायालय से मिली 16 दिन के स्थायी जमानत सोमवार को रद्द कर दी। न्यायमूर्ति एस एस सिंधे व न्यायमूर्ति टी वी नलावड़े की विशेष पीठ ने सुरेश जैन को जेल भेजने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता नरेंद्र पाटिल के वकील ने दलील दी है कि स्वास्थ्य जांच और बेटे के घर के वास्तु शांति कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जैन ने जमानत याचिका दायर की थी। जमानत देने के पूर्व संबंधित सबूतों की जांच नहीं हुई। स्वास्थ्य जांच के लिए जेल प्रशासन के डॉक्टरों की रिपोर्ट, वास्तु शांति कार्यक्रम की पत्रिका एवं संबंधित भवन की रजिस्ट्री की प्रति न्यायालय में पेश नहीं की गई। जैन की स्वास्थ्य की जांच के लिए सरकारी अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर और आवश्यक सुविधाएं हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी कहा है कि हाईकोर्ट में जैन की जमानत अर्जी लंबित रहने के बावजूद मंजूर अस्थायी जमानत अपराध प्रक्रिया संहिता की किसी भी धारा के तहत नहीं है। दिल्ली में सरकार बनाने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से पूछा कि इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं और विधायक कब तक बिना काम के घर में बैठेंगे। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह जल्द से जल्द गतिरोध को खत्म करे। वहीं आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा को भंग कर नए सिरे से चुनाव की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। फरवरी से दिल्ली में लागू राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा सवाल है कि दिल्ली विधानसभा के दौरान केंद्र ने कोर्ट से कहा कि वह इस पर विचार कर रहा है कि लोगों ने जो जनादेश दिया है वह बेकार नहीं जाएगा। तब कोर्ट ने जवाब दिया, आप इस बारे में क्या कर सकते हैं जब दोनों ही पार्टियां सरकार बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं। वहीं केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि एक पार्टी कहती है कि उसके पास सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं है, वहीं दूसरी पार्टी कहती है कि उसकी इच्छा नहीं है और तीसरी पार्टी के पास पर्याप्त सीटें नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार ऐसा बयान जारी करती है कि उपराज्यपाल 2 महीने के भीतर विधानसभा को भंग करने पर विचार करेंगे तो हम इस याचिका का निपटारा कर देंगे। पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी छोड़कर नई पार्टी बनाने की खबरों पर कांग्रेस के दिग्गज नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री नारायण राणे ने विराम लगा दिया है। मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नारायण राणे ने कहा कि वह पार्टी नहीं छोड़ने वाले हैं, वही पार्टी में रहकर आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी का हाथ मजबूत करेंगे। मंगलवार सुबह से ही नारायण राणे द्वारा कांग्रेस छोड़ अपनी नई पार्टी का ऐलान की खबर आ रही थी। मुंबई में दोपहर 2 बजे राणे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन 2 बजे की जगह शाम 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने अपना रुख स्पष्ट किया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले राणे ने कांग्रेस से नाराज होकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, तभी से राणे द्वारा कांग्रेस छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी। इजराइल ने मंगलवार को 72 घंटे के युद्ध विराम के बाद गाजा पट्टी के इलाकों से अपनी सेना और टैंक हटाने की घोषणा कर दी है। इजरायली सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल पीटर लर्नर ने बताया कि गाजा पट्टी में मंगलवार सुबह 8 बजे से शुरू हो रहे 72 घंटे के युद्ध विराम के बाद इजरायली सेना को हटाने का फैसला किया गया है। सेना को गाजा के बाहरी हिस्से से रक्षात्मक स्थिति में तैनात रहने को कहा गया है। सेना हटाने के बाद गाजा में युद्ध खत्म होने के संकेत भी मिल रहे हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक सेना का मुख्य उद्देश्य आतंकियों द्वारा सीमा पार से इस्तेमाल की जा रही सुरंगों को नष्ट करना था। अब सेना का उद्देश्य पूरा हो गया है, इसलिए वह हटने को राजी हो गई है। 8 जुलाई से शुरू हुए ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज के तहत इजरायल गाजा पट्टी में बीते 4 हफ्तों से सैन्य कार्रवाई कर रहा था। अभी तक 1834 लोगों की मौत हो चुकी है। मारे गए लोगों में सबसे ज्यादा नागरिक है। वही इजरायल के 64 सैनिक और 3 नागरिक मारे गए हैं। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए चार दी कला टाइम टीवी के साथ।